तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे से सबका हम लोग मिले, और वो वाला जो वीडियो है काफी, मैंने मतलब 5-10 मिनट का तो रिकॉर्ड भी नहीं किया है, और जितना भी है वो 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, बहुत बड़ी फाइल बन गई थी। तो सभी ने कुछ ना कुछ कहा, और आखिरी में तो पल्लवी जी और सभी ने कहा, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं रात भर तक उसी के बारे में सोचती रही, और क्योंकि कमेंट भी आ रहे थे ग्रुप में, तो बहुत ही अच्छा रहा। और हमने प्लान भी नहीं किया था, सचमुच में प्लान नहीं किया था कि किस तरह कौन से दिन हम लोग उसको बुक को एंड करेंगे, पर सब मेरे को लगता है कोई हमारे मैनेज करता रहता है, और इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। और आज मुझे लगा कि हम जैसे हम लोग धीरे धीरे एक एक बुक, आपने हु मूव्ड माई चीज भी आपने देखा ही होगा कि हु मूव्ड माई चीज का हमने एक सेशन किया था जो डॉक्टर अर्चना ने किया था। फिर हम लोगों ने एक और बुक की थी, एक और बुक की थी। तो एक एक सेशन हम लोग करते जा रहे हैं, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। मैं जब एक बुक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा बहुत भी क्या होता है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट सा समझ में आ जाता है। तो इस तरह के सेशंस प्लान करेंगे अभी अगले हफ्ते और 10 दिन। तो आज उस में मैं खुद ही जो मैं पढ़ रही हूँ वही शेयर करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग, एक यूएस में रहने वाले डेंटिस्ट हैं, मतलब दांत के डॉक्टर हैं। फिर वो इस मतलब स्पिरिचुअलिटी में आए, और उन्होंने ये बुक लिखी थी, एस्ट्रल वॉयजेस। ऐसे तो बाद में, आज जब मैंने उनके बारे में ज्यादा मतलब और थोड़ा सा देखा, तो उन्होंने कई सारी बुक्स इसके बाद भी लिखी हैं, लेकिन एस्ट्रल वॉयजेस जो हम बोलते हैं कि हमारी लाइट बॉडी अलग हो जाती है और फिर हम रात में कहीं कहीं घूमने जाते हैं, बस वही टॉपिक है ये, एस्ट्रल वॉयजेस या एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो मेरा ये फेवरेट भी रहा है, क्योंकि फेवरेट इन द सेंस कि मेरे को ड्रीम्स के बारे में बहुत दिलचस्पी है, और ड्रीम्स और एस्ट्रल वॉयजेस कुछ एक जैसे होते हैं पर एक जैसे भी नहीं होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत फर्क होता है। जो सपना होता है उसमें हमारा शरीर, हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमने ये जो भौतिक शरीर है जिसमें हम ज्यादातर वक्त रहते हैं उसको हमने छोड़ा है, पर एस्ट्रल जो वॉयज है या एस्ट्रल ट्रैवल है, मैं एस्ट्रल ट्रैवल ही बोलूंगी क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं पता कि उससे क्या कहना चाहिए, पर ये जो एस्ट्रल ट्रैवल है वो हमारे कई सारे किताबों में भी लिखा है, भारत की भी किताबों में लिखा है, और इजिप्ट की भी किताबों में लिखा है, और कई सारे वैज्ञानिकों ने भी या ऐसे लिखा कहा है, या मतलब जो पहले के भी जो टीचर्स रहे हैं हमसे पहले, उन्होंने इस बारे में काफी कुछ लिखा है। तो मेरा पहला जो मैं कह सकती हूँ कि एस्ट्रल ट्रैवल का जो मतलब थ्योरी थ्योरी समझने के लिए, डॉक्टर न्यूटन जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक होता है कि एस्ट्रल ट्रैवल और ड्रीम्स के बारे में, तो वो जब करा रहे थे तो उसमें एक्सरसाइज भी होती है, मतलब कि कराया भी जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि आपने वो चित्र देखा होगा कि भौतिक शरीर इस तरह रहता है लेटा हुआ, और हमारी जो नाभि से एक सिल्वर कॉर्ड निकलती है और एस्ट्रल बॉडी निकलकर चली जाती है, और इस तरह से जब कोई एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा होता है तो उसे अब जो भौतिक शरीर है छोड़ा हुआ वो दिखाई देता है। तो स्वप्न और एस्ट्रल ट्रैवल में ये अंतर है कि जो एस्ट्रल ट्रैवल है उसमें वो जो शरीर है, जो एस्ट्रल जो शरीर है वो भौतिक शरीर से अलग होकर चला जाता है, और फिर कहीं कहीं मतलब उसको दीवार से या आसमान में या कहीं भी जाने की एक किस्म से उसका गुण अलग होता है, वो भौतिक शरीर की तरह नहीं होता है। तो एक बार जो मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करना सकती हूँ, तो एक बार मैं ऐसे ही सोई हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब पंखे तक चली गई हूँ। मुझे एक ही बार हुआ है और मैं पंखे तक चली गई हूँ,
लेकिन मैं उस वक्त डर गई थी, और उसके बाद ही कुछ महीनों बाद जब एस्ट्रल ट्रैवल का जब हुआ सेशन क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने पूछा भी सर से, वो जो उनका नाम मैं बोल नहीं पाती हूँ, पर राजशेखर जो सर थे जिन्होंने मेरा सेशन लिया, कि भाई मैं उस दिन डर गई थी। तो उन्होंने बोला अपने आप को समझाओ, आपके साथ भी ऐसा हो। मैं इसके लिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि आप है ना, आप अपने ही शरीर को देख रहे हो या आप ऊपर उठ गए हो, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन घबराहट सभी को होती है। शुरुआत में घबराहट सभी को होती है, उसमें बाद में डॉक्टर न्यूट हाँ तो फिर डॉक्टर राजशेखर ने ये कहा कि अपने आप को समझाओ, मतलब अपने आप को अपने आप ही समझाना होता है कि ये एस्ट्रल ट्रेवल एक नॉर्मल चीज है और हो सकती है। कभी हो तो हमें मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। तो ड्रीम में क्या होता है, स्वप्न में क्या होता है कि हम ऐसा देखते हैं जैसे कि हम एक फिल्म देख रहे हैं। हम उस फिल्म में एक किरदार भी हो सकते हैं या किरदार नहीं भी हो सकते। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम वो देख रहे हैं वो फिल्म, जिसमें कुछ किरदार, कुछ जाने या अनजाने लोग दिखाई दे रहे हैं, और उसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है अक्सर। मतलब कई लोगों का नियंत्रण होता है अपने स्वप्न पर नॉर्मली जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हो रहा है और हमारा नियंत्रण नहीं है उस पे, मतलब हमारा वी कैन नॉट कंट्रोल द ड्रीम। लेकिन जो एस्ट्रल ट्रैवल होता है उसमें जब शरीर चला जाता है तो हमने ही उसको, मतलब एक किस्म से हमने ही शरीर को अलग किया होता है, और हमारी ही ऊर्जा से या ध्यान की ऊर्जा से के माध्यम से वो शरीर जब जाता है, तो तब हम कहाँ पर जाना है, क्या देखना है, उस पर हमारा नियंत्रण होता है। तो स्वप्न और एस्ट्रल ट्रैवल में ये फर्क है। तो डॉक्टर ब्रूस ने काफी सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने अपने हिप्नोसिस से, मतलब उन्होंने अगर हम मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स भी पढ़े, तो उसमें जो डॉक्टर ब्रायन वाइस हैं वो भी हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी ही करते थे, तो ये भी हिप्नोथेरेपी ही करते थे। और अपने कई सारे, मतलब उन्होंने लिखा है कि 2500 से भी ज्यादा एक्सपीरियंसेस को साझा करने के या समझने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है, और ये किताब भी काफी पुरानी है। तो अब उनकी नई नई किताबें आने आ गई हैं, पर मेरे पास यही, मैं मुझे लगा कि यही एक अच्छी बुक है, तो और मुझे मिली, बेसिकली मुझे पीडीएफ इसी का मिला, तो मैं यही पढ़ रही थी। मैं 2-3 दिन हो गए हैं जब से मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे मैं इसको साझा करना चाहती हूँ। इसमें पहली चैप्टर में तो यही है, एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन क्या होता है, क्या समझाया जाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। उसमें कई सारे उदाहरण दिए हैं कि हिंदू लोग इसको, भारतीय लोग क्या समय बोलते हैं वो हम, मतलब उन्होंने अपने शब्दों में अंग्रेजी में यह लिखा है कि भारत में ये बोलते हैं कि जो लाइट बॉडी होती है, जो दिव्य दिव्य शरीर होता है वो चला जाता है, और उन्होंने एस्ट्रल बॉडी लिखी है। उसमें से भी कई सारे चैप्टर्स और भी हैं, पर जो मुझे लगा कि हम ज्यादातर हीलिंग और हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट से भी जुड़े हैं और वहाँ की बातें अक्सर करते हैं, तो एस्ट्रल हीलिंग करके एक चैप्टर है उनकी बुक में। उसमें एस्ट्रल हीलिंग में ये चैप्टर है कि वो ये बोलते हैं कि अगर हम कहीं पर जा सकते हैं या किसी गुरु से मिल सकते हैं या आगे पीछे, मतलब अपने अपने ही जीवन का आगे और पीछे जा सकते हैं। देखिए ये उन्होंने लिखा है, पर ऐसा नहीं है कि हर कोई जा सकता है, वो तो आपकी पात्रता पर, आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है और आप कर सकते हैं कि नहीं, इस पर निर्भर करेगा। पर उन्होंने अपनी किताबों में ये सारे उदाहरण भी दिए हैं। तो ये वाला उदाहरण उन्होंने दिया है एस्ट्रल हीलिंग का, कि आप अपने भौतिक शरीर को, मतलब जो एस्ट्रल बॉडी है वो अपने भौतिक शरीर, जो फिजिकल बॉडी है, उसी का उपचार कर रही है, हीलिंग कर रही है। इस तरह का आप सोचिए कि कैसे होगा ये उपचार, तो बिना किसी छुरी कांटे का, बिना किसी उपकरण से, इंटेंशन द्वारा यानी मन की शक्ति द्वारा, ये जो भौतिक शरीर है उसका हम उपचार कर सकते हैं। तो आज तक ये बात मुझे लगा कि हाँ चलो, ये सब ग्रुप के साथ शेयर करना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि
ये क्योंकि उन्होंने लिखा है तो ये उनका एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि उपचार कर सकते हैं, पर ये मैंने जरूर सुना था कि हम सोने से पहले अगर ये कहें कि जैसे मेरे पैर में दर्द हो रहा है या मेरे दांत में दर्द हो रहा है या मेरी आंखों को थोड़ा ठीक कर दीजिए, है तो आप जो धन्वंतरी जी हैं या कुछ ऐसे एस्ट्रली कुछ मंदिर या टेम्पल्स ऐसे बने होते हैं जहाँ पर हम जाके बोल सकते हैं कि अपने गाइड को बोल सकते हैं कि मैं इस आज रात को वहां जाना चाहती हूँ और मुझे ऐसी मतलब अगर अगर मैं इसके काबिल हूँ या मुझे ऐसी उपचार मिल सकती है तो मेरे दांत का दर्द कम कर लो या मेरे पैर का दर्द कम कर दो या जो भी चोट लगी है तो उसका दर्द कम कर दो या जो भी आप मांगना चाहें, जो हीलिंग मांगना चाहें, तो मैं हम पत्री जी का भी मतलब करते हैं कि नो हीलिंग, पर यह स्वयं की हीलिंग है और ये उनके एक चैप्टर एस्ट्रल हीलिंग में ऐसा उन्होंने बताया है कि हम ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जो इसमें प्रबुद्ध हो यानी कि जो इसमें पारंगत हो गए हैं तो उनके लिए ऐसा होता है कि दांत का जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो दांत के अंदर घुस के नहीं कर रहे हैं, ऐसे जैसे दांत को हाथ में रख के और तब दांत को ठीक कर रहे हैं या उसकी सफाई कर रहे हैं, तो जो वहां का उपचार है जो एस्ट्रल उपचार हम अपने आप का ही करते हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा एक मजाकिया तरीका भी अपनाया है, तो ये हुआ एस्ट्रल जो उपचार है। अब मैं आपके साथ उनके एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, उन्हीं की आवाज में है। वो ये इस में ये कह रहे हैं कि इन सब जो एस्ट्रल ट्रेवल है उसमें अपना प्रोटेक्शन भी करना चाहिए, तो प्रोटेक्शन अर्थात कि हमें ये भी कहना चाहिए या प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जब एस्ट्रल ट्रेवल करूँ तो मैं ऐसी जगहों पे जाऊँ, ऐसी ऐसे लोकों में जाऊं, ऐसे रेल में जाऊं जहां जो कि डिवाइन हो या जो दिव्य जन वहां पर दिव्य लोग ही रहते हों, क्योंकि कई जो लोक हैं, कई लोक हैं उनमें इतनी प्रगति नहीं हुई होती है लोगों की और वहां पर जाने से हमारा जो मन है भ्रमित हो जाता है या हम परेशान से हो जाते हैं। तो ऐसा भी अगर हम जैसे शुरुआत में हमें तो पता नहीं चलेगा ना हम कौन से लोक में पहुंच गए, लेकिन अगर हम थक गए या हमें डर लग गया या हम घबराहट हो गई या हमें ऐसे दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे तो आप निश्चित ये सोचिए कि हम किसी छोटे लोक में या ऐसे लोक में पहुंच गए थे जहाँ पर कि जहाँ के लोग दिव्य दिव्य लोग नहीं थे। तो हमेशा प्रार्थना करें या अपनी ऊर्जा ध्यान में ऐसी बढ़ाएं कि हम उन लोकों में जा पाएं जहाँ पर कि दिव्य लोग रहते हैं, दिव्य आत्माएं रहती हैं। तो ये उन्होंने थोड़ा सा हमको एक किस्म से कॉशन भी दिया है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम कोई अच्छे ही लोगों से मिले, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, अपने फिजिकल बॉडी को भी और एस्ट्रल बॉडी को भी। तो फिर भी मैं दोबारा से इस वीडियो में कहना चाहती हूँ, ये सब उस किताब के माध्यम से कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, और आप भी अगर ऐसा पढ़ें तो आप भी अपनी जो आपको ठीक लगे उसको स्वीकार करें, जो ठीक ना लगे उसको रिजेक्ट करें। तो मैं छोटी सी एक उनकी वीडियो चलाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए वो क्या कह रहे हैं और फिर आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं कि आप उसमें से क्या लेना चाहेंगे या क्या नहीं लेना चाहेंगे। Okay, so what? How do you know you're on the lower astral plane? Remember, you don't want to be there, but you can get out of there if you actually do go there. And there are techniques to do that. My CDs or MP3 files will have that. So here's how you can tell the difference. The lower astral plane, you're going to be in an astral body, so that's not going to be definitive. You know, it could be the upper or lower, but the difference is the environment. You're going to have feelings of confusion and bewilderment if you're on the lower astral. If you're on the upper astral, you're going to have feelings of alertness, peace, and happiness. Unconditional love is a good example. If you're on the lower astral plane, the environment is a misty or foggy environment. It looks like you're looking through a cheesecloth. Okay?
The upper astral plane has earth-like and beautiful environment. The lower astral plane has the presence of bizarre and evil inhabitants, greys, reptilian ETs, gargoyles, pixies, trolls, all the characters you see from sci-fi movies, you know, vampires, werewolves, fairies, all these entities are negative, and they're associated with the lower astral plane. Remember, you're bullied 24/7 there, so there's no break. On the upper astral plane, you're going to have the presence of human inhabitants. Okay, so you won't have these negative entities there at all. The lower astral plane is noisy and disorganized. The upper astral plane is quiet and well-organized. Lower astral plane, there's absolutely no spiritual growth because there's no contact with your higher self, which we also refer to as the superconscious mind. On the upper astral plane, of course, you have unlimited spiritual growth and you can connect with your higher self, which is the techniques I use in my very famous superconscious mind app. Now, what about the kind of people you meet when you're out of the body? Again, versus the lower, versus the physical plane, versus, let's say, the fifth dimension. If you're on the physical plane when you're doing hypnosis, you haven't quite left the body, you're going to be preoccupied with the earth plane, chores. If you see, for example, physical people while you're out of the body and you're looking at the physical plane, they won't notice you or look upon you or be able to communicate. You're going to be a ghost to them, so they don't have any way of communicating with you. If you're communicating with an astral entity or a fifth dimensional entity, assuming it's the astral plane, they're not going to be preoccupied. They will look at you and speak with you. Of course, all communication is telepathic. You're just going to be like going out with your friends. Again, when you're on the fifth dimension and you look down at physical plane people, they're always affected by gravity. When you're in the fifth dimension and you're speaking with fifth dimensional entities, they're rarely affected by gravity. They can levitate, fly, teleport, do whatever they want to do. The auras of a physical person when you're in the fifth dimension will have an irregular or discolored aura. If you see a astral body when you're on the astral plane, let's say, they will have clear, regularly shaped and evenly colored aura. Okay, and of course, earth plane people wear contemporary clothes, unless, of course, you're in Los Angeles, that's a whole different ballgame. Whereas astral entities wear out-of-place clothes because they tend to take the form of their previous life. So they may be hundreds of years out of date in their fashion citation mentality here, okay? So this is the idea of what happens with the different dimensional experiences here. Now, when you go through out-of-body experiences, if you experience paralysis, that is a normal experience. We'll give you techniques like psychic protection to eliminate that. But don't panic if you have that. That's a natural example of the neurological level of entering into an alpha brainwave level when you go to sleep at night. Remember one concept. When you go to sleep at night, you dream for 3 hours a night. This is specific research. This is hard research back for the last 60 years. The last stage is called the REM cycle, stage 5 of a sleep cycle. And you are not only in a very deep level of alpha, but you're actually in the fifth dimension. So all dreams are out-of-body experiences. So dreams are natural. That's one of the reasons why you know they're not dangerous. You don't remember them, I grant you, but you can be trained to remember them. But you can also have conscious out-of-body experiences, which is what we're going to be trying you to do today. Now, before I open this up for some questions, I want to just give a couple of little what I call behaviors that you can facilitate your application of these techniques and your own spiritual growth. One of the things you can do to actually help yourself in your daily life on the earth plane is being loving, unselfish, and kind. Love is the most important quality in the universe. Be a giver. Decrease the attachment to material possessions. Enjoy them all you want, but be willing to lose them without envy, resentment, anger, or other negative emotional responses. Remember, it's materialism only. Your soul is what counts, it's permanent, it's eternal, and it is the big picture. Be empowered. I call this psychic empowerment. Be God-oriented instead of world-oriented. Be humble. Remove all tendencies to be superficial, vain, and phony. Learn not to identify too strongly with your body. Protect it, of course, and be healthy and vigilant. I have no problem with that. But say to yourself, I am spiritual, I am a spiritual soul, immortal and eternal. I create my own reality. The body eventually dies, but the soul is eternal.
आखिरी पार्ट में ये समझा रहे हैं कि हम अगर इस तरह का कोई अनुभव करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में कैसे रहें, और ये सारे जो भी उन्होंने कहा कि भाई हम अपने को आत्मा समझें, हम अपने शारीरिक जो भौतिक जीवन में जो भी हमारी चीजें हैं, या मतलब जो हम खूब एंजॉय करें चीजों को, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, लेकिन उस पे लिप्त ना हो जाए। और ऐसी ऐसी जब हम भावनाएं रखते हैं तो हमें भी आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। तो आखिरी पार्ट में उन्होंने बोला, शुरुआत में तो मैंने बता दिया था जितना हिंदी में था, कि उन्होंने बोला है कि छोटे मतलब कम ऊर्जा वाले लोग भी होते हैं और ज्यादा ऊर्जा वाले लोग भी होते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी अगर कोई कहते हैं नमस्ते हम से जी। कहते हैं अच्छा हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, सभी मास्टर्स को जन्माष्टमी, आत्मवंदन। सबको आत्मवंदन। मैम बहुत बढ़िया था किताब, मुझे भी एस्ट्रल ट्रेवल करना बहुत पसंद है तो, हाँ लेकिन मैम, कर नहीं पाती हूँ। हाँ बहुत अच्छा लगा कि इसे करूँ, हमेशा सोचती हूँ मेडिटेशन में आने के बाद सभी को एस्ट्रल ट्रेवल होता है इसे बोलते हैं, मगर मेरे एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ। मुझे बहुत पसंद है मैम, मैम मैं बहुत कुछ अच्छा बोलूँ लगा। एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में? हाँ, प्लीज बोलिए ना, थैंक बोलिए ना। यू। मैं तो हाँ मैं एस्ट्रल ट्रेवल मतलब हमें, हम हिंदी में इसको सूक्ष्म यान प्रयान कहते हैं, ठीक है? और ये ब्लाइंड लेमैन लेमैन की लैंग्वेज में सूक्ष्म यान प्रयान क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर 7 कोश से बनता है, जो फिजिकल शरीर है इसके पीछे और 6 कोश है। तो ये तो आपको जो दिख रहा है वो फिजिकल बॉडी है, वह अन्नमय कोश कहते हैं। इसके नीचे एक है प्राणमय कोश, इसके नीचे और एक है, उसको हम बोलते हैं मनोमय कोश, वह एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं उसको। तो हम, हमारा फिजिकल बॉडी जो है हमारा एस्ट्रल बॉडी के साथ अटैच होके रहता है, ठीक है? और वो अटैच कैसे होता है जानते हैं? एक सिल्वर कॉर्ड के थ्रू से हमारा फिजिकल बॉडी हमारे एस्ट्रल बॉडी से अटैच होता है। जब हमारा सोल चला जाता है वो सिल्वर कॉर्ड टूट जाता है, वो फिजिकल बॉडी हमारा एस्ट्रल बॉडी से डिटैच हो जाता है। हमारा सोल जब ट्रैवल करता है तो इस फिजिकल बॉडी को छोड़ देता है, वो हमारा सोल क्या होता है एस्ट्रल बॉडी को लेके जाता है, ठीक है? हमारे सोल के साथ एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करती है, इसीलिए हमारे सोल में हम जब फिर पुनर्जन्म लेते हैं या एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हमारे मनोमय कोश में हमारे इस जन्म के सब रिकॉर्ड है ना, हमारे एस्ट्रल बॉडी में मनोमय कोश में हमारे सब जो भी हम कर्मा किए हैं A to Z पिन पॉइंट रहता है एस्ट्रल बॉडी में। तो हमारे सोल जब दूसरे बॉडी में चला जाता है तब हमें एहसास होता है कि मेरा पास्ट लाइफ क्या था, पास्ट लाइफ क्या था। ऐसे ये एस्ट्रल बॉडी जितना, ये सोल जितना बॉडी बदलता रहता है उसका वो रिकॉर्ड सब एस्ट्रल बॉडी में रिकॉर्ड होके होके चला जाता है, इसीलिए हमें पास्ट लाइफ सब याद रहते हैं। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमें सब पास्ट लाइफ याद रहते हैं। और एस्ट्रल ट्रेवल, हम एस्ट्रल ट्रेवल और ड्रीम दोनों अलग चीज है। हर एक ड्रीम जो रहता है वो एक एस्ट्रल ट्रेवल ही रहता है, क्योंकि उसमें हम अनकॉन्शियस रहते हैं, लेकिन एस्ट्रल ट्रेवल में आप कॉन्शियस होके एक चीज को एज्यूम करते हैं और आपके बॉडी को, एस्ट्रल बॉडी को बाहर भेजते हैं। और ये एस्ट्रल बॉडी, तो जब हम ये एस्ट्रल बॉडी कब बाहर आती है? कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली तो नींद में बाहर चली जाती है एस्ट्रल बॉडी। हम जब सोते हैं सब लोग, वो एस्ट्रल बॉडी चली जाती है। एस्ट्रल, एस्ट्रल का मीनिंग पहले समझिए। एस्ट्रल का अर्थ क्या है? एस्ट्रल का अर्थ है सूक्ष्म, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं देता, मतलब उसका प्रेजेंस है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, उसको एस्ट्रल बोलते हैं।
देखिए कब कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगा, जो चीज बहुत दूर रहता है तब दिखाई देता है, लेकिन वो चीज है, एक्चुअली है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम में इतनी पावर नहीं है कि हम वो चीज को देख पाए। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारी वो एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है कॉस्मिक एनर्जी से, तब वो एस्ट्रल बॉडी बाहर आ जाती है और हमारे पृथ्वी में, इस विश्व ब्रह्मांड में, आप अभी फिजिकली जितना भी चीज देख रहे हैं, घर, हॉस्पिटल, पार्क, स्टेडियम, ए टू जेड, जो चीज फिजिकली है वो एस्ट्रली भी है उसका एग्जिस्टेंस। जब हम मेडिटेशन में इतना आगे चले जाते हैं, हमारा एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होता है, तब हम वो एस्ट्रल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होके वो सब चीजें देख पाते हैं। इसको हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं। ये छोटा सा सिंपल, हर कोई मतलब ले मैन के जैसे मैंने बताया जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रल ट्रैवल के, अनुराधा मैम तो बहुत डीप्थ है उनका नॉलेज, ये ऊपर ऊपर का है आप सभी के लिए। पहला एस्ट्रल ट्रेवल क्या है ये मैं समझाई आप सभी को। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हेलो मैम, उस। हेलो मैम मैम, एस्ट्रल ट्रेवल और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो होता है वो एक ही है क्या? नहीं मैम, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलग है और एस्ट्रल ट्रेवल अलग। आप पास्ट लाइफ में जाके उसको ला के मतलब ये, हाँ एस्ट्रल ट्रेवल में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल करना पड़ेगा आपको, आपके पास्ट को जाना पड़ेगा। मैंने तो अपने पास्ट लाइफ के बारे में दो लाइफ्स देखे हैं, एक तो शिव वाह, की साधना में देखी थी और एक डॉक्टर न्यूटन जी क्लास कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत हमें अपने क्रिया योग वाले वर्कशॉप के बारे में थोड़ा बहुत बताएं, तो अगर वो ठीक समझे तो। थैंक यू आप सभी को आत्मवंदन। सबसे पहले मुझे बहुत आज की टॉपिक बहुत अच्छा लगा। मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, आपने जो मैसेज भेजा था एस्ट्रल वॉयेज भेजा था, तो पता नहीं वो इतना स्ट्रक नहीं हुआ, लेकिन आपने इतनी अच्छे से वो बताया। और अभी पद्मा जी ने मतलब हमें और हम समझ पाए ऐसे, और वो वीडियो से भी थोड़ा वो लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा बताया। मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था, सूक्ष्म शरीर और एस्ट्रल बॉडी सेम समझ रही थी, लेकिन उसी को मनोमय कोश बोलते ये नहीं मालूम थे, क्योंकि दो हम समझ पाते, तीसरा जब आता है कंफ्यूजन होता है 7 लेयर्स में। आज अच्छे से समझ में आया, ये लोब संग रामपाल की, रामपा जो भी गुरु है ना टिबेटियन, तो उनके उसमें तुम शाश्वत हो उसमें है थोड़े थोड़े, जैसे आपने बोला ना डर लगता है बॉडी बाहर निकलता है, मैंने पूरी नहीं पढ़ी लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिया है। और डरना नहीं है आपको, डर ही तो एक अवरोध है आपको एस्ट्रल ट्रैवल में, वो थोड़ा सा तक पढ़ा है मैंने, फिर आगे पता नहीं मेरा वो पढ़ने की आगे नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छा। और पद्मा मैम ने जो बताया वो अच्छा लगा, मतलब अब मैं इमेजिन करती हूँ, मुझे नहीं पता, कभी मैं उसमें बैठती हूँ ध्यान में, कभी कभी मैं सोचती हूँ, अब वो इमेजिनेशन है एस्ट्रल ट्रेवल है, नहीं पता मेरी सूक्ष्म शरीर पितामह के साथ बाहर निकल गई है और पूरी ब्रह्मांड में ट्रेवल करते शंबाला पहुंच गई है, और वहां पे बहुत बड़ा मंदिर में हम दोनों बैठ के ध्यान करते हैं, और उसमें और पीछे जाने का भी रास्ता है, बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पर माँ आदि पराशक्ति की मूर्ति है, ऐसे सब मैं इमेजिन करती हूँ या पता नहीं, फिर मैं बाहर और पीछे पितामह को पकड़ के मेरे हस्बैंड जा रहे, वो भी मैं इमेजिन करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड से मेडिटेशन करवाना है, हो सकता है मेरी इमेजिनेशन हो, लेकिन बहुत बार होता है पितामह के साथ ये भी बैठ के ध्यान कर रहे, मेरे हस्बैंड भी हम बैठे हैं वहां, बहुत बड़ा शिव जी का मूर्ति है शंबाला, हमेशा मैं शंबाला ही सोच के जाती हूँ, अब एक्चुअल है नहीं है मैं खुद नहीं जानती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है वहां पर जाके। लेकिन आज ये जो भी इनपुट मिला है उससे और इंटरेस्टिंग भी लगा और आगे उसमें कार्य करने का, और मैं इसके बारे में बताती हूँ। 3 दिन का था क्रिया योग, हमेशा मन में रहता था क्रिया योग, आज देखिए योगेश्वर
कृष्ण जी, आज ये बात छेड़ने की हो रही है। कृष्ण जी को बोलते हैं ना योगेश्वर, ऐसे सबसे पहले वो क्रिया योग में निपुण थे या ध्यान करते थे ऐसे। अगर स्टोरी के बारे में पढ़े, पुराण के बारे में, तो ये सब नहीं बताया जाता है। वहां तो स्टोरी बताया जाता है, उसका बेटा है, उसने उस राक्षस को मारा है या पांडवों के साथ था। लेकिन हम अगर आध्यात्मिकता के देखा तो योगेश्वर बोलते हैं। तो मन में था वो इच्छा, वो कैसे प्रकट हुई और कैसे अभी कंप्लीट हुई, मैनिफेस्ट हुई, मैं खुद अभी भी हैरान हूँ। कभी कभी होता है, कुछ चीजें जीवन में होता है और ऐसी कृपा बरसती है कि अभी भी मैं बिलीव नहीं कर सकती मैं क्रिया योग कर रही हूँ। लेकिन मन कर रहा है रोज करने का, सुबह शाम। कल नहीं कर पाई क्योंकि लाइट वाइट नहीं था, तो वैसे वो बहाना गलत है। क्रिया योग करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस बैठो और करो। और ये है गुरु सभी के, आप अगर देख पाए तो। मैं बाद में फोटो डाल दूंगी इन सबके, है जैसे महावतार बाबा जी है, फिर लाहरी महाशय है, युक्तेश्वर गिरी है, फिर भूपेंद्र सान्याल है, परमहंस योगानंद है इधर, और ऐसे करके अभी ये हरिहर आनंद जी अभी जीवित, मतलब देह में नहीं है, उनके द्वारा ये प्रसारित हुआ है। और ये प्रज्ञानंद जी, ये अभी जीवित हैं, ये यूएस में रहते हैं, यूएस या फॉरिन में, फॉरिन में बहुत ज्यादा प्रचलित है, अपने यहाँ भी है, हमें इतना नहीं पता था। फॉरिन में इन्होंने 50 साल पहले जाके वहां पर वो लगाया है, आश्रम बनाया है, होलैंड है, पता नहीं। आज मैं पढ़ रही थी नाम, मैं जब खुद इतनी खुशी हो रही थी, ये भारत का ज्ञान पूरे विश्व में है, बहुत अच्छा लग रहा था और हम भी उसमें जुड़ पाए। हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वो करवाते हो सकता है अलग अलग गुरुओं की परंपरा से अलग अलग। जैसे अभी श्रीनिवास सर बोल रहे थे बैंगलोर में, उन्होंने 4-5 साल पहले किया, कुछ लेडीज करवाती है वहां पे, तो वो बोल रहे थे 108 टाइम्स ओम बोलना, ये सब हमें नहीं बताया। हाँ, ओम बोलना था 1-2 बार स्टार्टिंग में मंत्र वो करके, और ये भी दिया है हमें पूरा, ये अपनी शरीर की चक्रास का पूरा, चक्रास कैसे खुलती है, हम एक क्रिया योगा करते करते खुलती है, और बहुत इजी है। मैं पहले सोचती थी क्योंकि ये निगूढ़ रहस्य वाली ज्ञान है, तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं इतने उम्र में ऐसे, लेकिन बहुत इजी है। प्राणायाम, चक्रों का ज्ञान और इजी वाला योगा को मिक्स करके उन्होंने 10 टेक्निक बनाई है, और हमें वहां पे 10 टेक्निक प्रैक्टिकली करवाते हैं। तो यहाँ पर भुवनेश्वर से, पुरी से आए थे दो सन्यासी कह सकते, एक बहुत यंग थे, बीई किए हुए थे, वो शायद 40-50 साल के थे और यंग ही दिख रहे थे, उनकी हाइट बहुत कम था। वो पूरा हमें टेक्निक बता रहे थे और उनके सामने, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने से ही ठीक से समझ में आएगा, अगर ठीक से नहीं करेंगे या उसको एक के बाद एक नहीं करेंगे तो हानि तो नहीं होगा क्योंकि वो प्रक्रिया है, लेकिन ठीक तरीके से समझ के करेंगे तो फिजिकल मेंटल तो हमें वो शक्ति प्रदान होती है, स्पिरिचुअली जैसे आपने अभी बोला मैडम ने, लाइट बॉडी होने से होती है ना, वो सर ने बोला कि लाइट बॉडी जितना होगा, हिंदू पद्धति में बताया है, तो हम ये अचीव कर सकते। तो ये क्रिया योग इजीएस्ट मेथड है, मुझे अब समझ में आ रहा है, जब मैं अभी 2-3 दिन से कर रही हूँ। केवल 30-40 मिनट लगता है स्टार्टिंग में करने से, अगर 10 क्रिया उसमें करें, ज्यादा समय दे सकते हैं अगर आपके पास समय है, अगर एक एक बार करते जाएंगे समझ के द्वारा, तो वो केवल 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं लगता और पूरी बॉडी पार्ट वाइब्रेट होता है। बहुत सरल क्रिया, लेकिन एक तो चक्रों के साथ जुड़ा है, सांस के साथ जुड़ा है, सांस पूरी हमारी कोशिकाओं में जाती है ना, शरीर के हर एक कोशिका को सांस टच करती है, अंदर जाती है बाहर, चक्र है नीचे से ऊपर सात, जो इम्पोर्टेंट, जो चक्र तो बहुत सारे हैं लेकिन इसके साथ जुड़कर मूलाधार से सहस्रार्ध तक, तो वो पूरी शरीर में कंपन,
और हमें शांभवी मुद्रा भी सिखाया है। बहुत इजी है, शायद आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर आप सभी अध्यात्म से जुड़ी है, खुले आंखों से सामने देखना। मैं हमेशा वीडियो सोच के वो देखती थी कि सद्गुरु करवाते हैं शांभवी मुद्रा उनके यहाँ, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। लेकिन आंखें खुले रखना है और आंखें मिटकाना नहीं है, वो बोलते हैं ना, पलकों को झुकाना नहीं है जितना हो सकता है। वो बोलते हैं आंखों में पानी आएगा, आने दीजिए जितना कर सकते हैं, और वो बहुत देर तक कर पाते थे। हम लोग तो अभी नहीं कर पाते, अच्छा 10 सेकेंड 20 सेकेंड में ही आंखें मेरी तो पलके ये हो जाती है। और उससे लाभ भी बताए हमें, 10 टेक्निक बताए, तो इससे क्या लाभ है, इससे क्या लाभ है। तो वो लाभ आध्यात्मिक तरीके से देखो तो अनगिनत है। शारीरिक लेवल पे देखे या भौतिक तरीके से, भौतिक तरफ से देखो तो जैसे शांभवी मुद्रा करते करते कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये तो हम समझ सकते। खुली आंखों को बिल्कुल एक जगह स्थिर करना, एक जगह भी कोई चीजों पे नहीं करना है ध्यान, खाली, बोलते हैं ना विश्व तो खाली है, निराकार रूप है ईश्वर का उसमें। और हमें ज्योति मुद्रा भी बताया है, ज्योति मुद्रा है ना, आंख बंद करना है और अंदर की ज्योति को दर्शन करना है, वो करते करते ही आएगा। हम PSSM से जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत उसको ग्रास्प कर सकते, नहीं तो बोलेंगे अरे आंख बंद करे तो कैसे लाइट दिखेगा। और वो गुरु, भोपाल के भी एक गुरु थे जो हरिहरानंद जी के शिष्य थे, कृष्ण दौंड करके, कृष्णकांत दौंड करके, तो उन्होंने भी, तीनों ने मिलके दीक्षा दी। यहाँ पर दीक्षा है ने जैसे यहाँ पर टीका लगाकर हमें हमारे अंदर वो शक्तिपात करवाया जाता है। और इसमें सबसे मुख्य बात है काली पेट करना है, जैसे अभी सुबह करना है, नहा के करना है, क्योंकि एक ये दैविक क्रिया है हम मानते हैं। हम PSSM से जुड़े तो बोलते हैं ना, ध्यान भी अगर आप शरीर को स्वच्छ रख के करेंगे तो उसकी फायदा आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक मानसिक रूप से बहुत गुना बढ़ती है। तो ये नहा धोकर फिर ये करना है 30-40 मिनट, लेकिन खाली पेट करना है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बैठना कैसे है, स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठने को बोलते हैं, आंखें बंद करके, और ये चिन्ह है इसको थोड़ा नीचे करके बैठने को बोलते हैं, सभी लोग समझ रहे होंगे, ताकि हमारा ये विशुद्धि का या गले का जो उसको सांस वहां पे होल्ड करके, ये सब मुझे पहले मालूम नहीं था, ऐसा लगता था बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जीभ को पूरी 10 क्रिया करते वक्त पीछे ऐसे ले जाके अपनी ऊपर की तलवे पर उसको ये करके करना है, उसकी भी बेनिफिट से। और आईब्रोज को ऊपर रखना है, मतलब आंखें बंद रहेंगी लेकिन आईब्रोज ऊपर, तो उन्होंने हाँ ऐसे जैसे आपने करा, अच्छा करा। तो और हमेशा ध्यान जो वो बोलते हैं सहस्रार्थ पर रखने को ज्यादा बोलते हैं, सहस्रार्थ चक्र पे ज्यादा। और हमें एक गुरु मंत्र भी मिला है, मतलब मैं जिसको ईश्वर को मानती हूँ वो पूछते हैं और फिर उसी को वो देते हैं मंत्र करके। और जो बड़े गुरुजी आए थे तो वो भी सन्यासी बाबा पुरी से, समर्पणानंद जी है, उन्होंने हमारी जीभ में काड़ी से लिखा भी उसको कैसे बोलना है। अगर मेरी